अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कश्मीर घाटी में आतंक का पर्याय बन चुके रियाज नाइको को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। एक लंबी मुठभेड़ के बाद आतंक का ये आका ढेर हो गया और ये जो आतंक के इस आका के खात्मे का जहां तक बात है तो ये सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी है। और हिजबुल मुजाहिदीन ही वो आतंकी संगठन है जिसके जरिए कश्मीर में अपने मिशन को पाकिस्तान अंजाम देता है। और पहले बुरहान वानी को सुरक्षा बलों ने ठोक डाला था, उसके बाद सफजार भट्ट मारा गया और अब ये रियाज नाइको भी हिजबुल का शीर्ष कमांडर मारा गया है। माना जा रहा है इसके साथ ही जो दक्षिण कश्मीर में खासतौर पर आतंक का खात्मा हो गया, आतंक की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। और अगर हम बात करें जो जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले दो दिनों के अंदर हमारे चाहे कर्नल और मेजर समेत 8 लोगों की जो शहादत हुई थी हमारे जवानों की, उसका बदला ले लिया है सुरक्षा बलों ने। और इस ऑपरेशन की बात करें तो घंटों तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद पुलवामा जिले के अवंतीपुरा के बेगपुरा इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई जिसमें हिजबुल कमांडर रियाज नाइको को घेर लिया गया और भीषण मुठभेड़ के बाद आतंक के इस आका को मार गिराया गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने जानकारी दी थी कि रियाज नाइको और उसको कवर दे रहे आतंकी को घेर लिया गया है, साथ ही दक्षिण कश्मीर के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है, खास तौर पर मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था। जैसे ही नाइको की लोकेशन की जानकारी मिली सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टीम भी पहुंच गई और आसपास के इलाके को घेर लिया गया और मुठभेड़ शुरू हो गई। रिपोर्टों में बताया गया है कि पुलिस सेना की 55 आरआर और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने बेगपुरा में मंगलवार रात कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया था और जैसे ही सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम संदिग्ध स्थान की ओर बढ़ी छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी की जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर की पुष्टि भी की। 8 घंटे के अंतराल में अवंतीपुरा में यह लगातार दूसरी मुठभेड़ थी। इसके अलावा पुलवामा के शरशाली में आतंकियों के छिपे होने की खबर भी मिली थी। इसके बाद मंगलवार रात से यहां सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से पूरी रात फायरिंग जारी रही। बुधवार सुबह सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया। उधर जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में जैश ए मोहम्मद के एक शीर्ष आतंकवादी को पकड़ लिया गया है। उसको पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार देर रात को दक्षिण कश्मीर के जिले में त्राल इलाके के सतुरा गांव में जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने सतुरा क्रॉसिंग पर आतंकवादी को उस समय पकड़ा जब उसकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गई। अधिकारी ने बताया कि उससे पूछताछ करने पर सुरक्षा बलों ने एक AK-56 राइफल, 5 AK मैगजीन, 150 AK गोलियां, 3 चीनी हथगोले और 2 मोबाइल फोन बरामद किए। इसके साथ ही पुलवामा जिले के बेगपुरा इलाके में आतंकवादियों तथा सुरक्षा बलों के बीच एक और मुठभेड़ हो रही है। पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस ने सटीक सूचना के आधार पर बेगपुरा में गत रात एक अभियान चलाया। वरिष्ठ अधिकारी तब से ही इस पर नजर रख रहे थे। प्रवक्ता ने बताया कि शीर्ष आतंकवादी कमांडर पकड़ा गया है। अब आपको बताते हैं कौन था यह रियाज नाइको। भारतीय सेना ने उसके सिर पर 12 लाख रुपए का इनाम रखा था। उसने घाटी में लंबे समय से दहशत फैला रखी थी। सफजार भट्ट की मौत के बाद रियाज को हिजबुल का कमांडर बनाया गया था। बुरहान वानी के बाद वह घाटी में आतंक का नया पोस्टर बॉय बन गया था। रियाज नाइको बुरहान वानी के कोर ग्रुप का मेंबर था और बुरहान के मारे जाने के बाद उसे ही टॉप कमांडर बनाए जाने की चर्चा थी। पिछले साल उसने धमकी भरा एक ऑडियो भी जारी किया था जिसमें उसने घाटी में जेल स्टाफ पर हमले की धमकी दी थी। रियाज नाइको घाटी में हिजबुल का सबसे बड़ा आतंकी था और टैक सेवी माना जाता था, यानी तकनीक का काफी इस्तेमाल करता था। 2017 में जब सुरक्षा बलों ने सफजार अहमद भट्ट को मार गिराया था तो नाइको को हिजबुल की कमान मिली थी। सफजार ने बुरहान वानी के मारे जाने पर कमान संभाली थी और उसके बाद सफजार भट्ट हिजबुल का शीर्ष कमांडर बनते ही मारा गया और अब आतंक के इस नए आका रियाज नाइको का खेल खत्म हो गया है। माना जा रहा है कि नाइको के मारे जाते ही दक्षिण कश्मीर से हिजबुल का खेल पूरी तरह खत्म हो गया है। तो तू डाल डाल तो मैं पात पात की तर्ज पर भारतीय सुरक्षा बलों ने, भारतीय सेना की बात हो चाहे हमारे अर्धसैन्य बल हो चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, इन आतंकवादियों के सफाई के लिए पूरी तरह से एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में आज एक नहीं दो नहीं तीन तीन जगह जिस तरह से मुठभेड़ें चल रही हैं और आतंकवादियों का खात्मा हो रहा है, निश्चित ही कश्मीर घाटी आतंक के साए से पूरी तरह मुक्त होकर रहेगी।